ओम शांति। मुरली का तारीख है 5/1/2019। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा बाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वहाँ कैसे? उत्तर, आस्तिक वहाँ है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वहाँ है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सेकंड पॉइंट, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को बाई बाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यहाँ याद रखो कि शुबाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यहाँ पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया वा नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापिस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में भिन्न भिन्न क्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, या पूछने की बात नहीं है। पहले तो या हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपये से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। या कोई बाप श्राप नहीं देते, या तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं, राव तोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, तो पहले जब किसी को भी समझाते हो तो शुबाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी
लिखा हुआ है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर सतगुरु है। पहले जब या निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर या स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि या स्थापना हो रही है तो उनों की बुद्धि में या जरूर आना चाहिए कि इनों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि या राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, या कोई मनुष्य मत नहीं है या ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश या भी बाप का ही काम है। या निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे सिर चलना वहाँ भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम बाई बाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहां से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो वा दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे कड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा तोड़े ही लेंगे। जरा भी कामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए।
भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं, यह है भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाए भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई राख बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी राखों की दुनिया है। सब में भूत है, भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किसम किसम के स्वभाव होते हैं। बात मत पूछो तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। देवताए थे सत्युग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था, या सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां या ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शुबाबा हमको समझा रहे हैं। शुबाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसीलिए समझाने के समय अच्छी तरह से गोट गोट कर समझाओ। कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है। कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शुबाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्त नाट्य पेनी से वर्त पाउंड बन रहे हो। अब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, सत्युग में उनकी बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई ता नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, या एक ही आदि सनातन
देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ या कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं या आत्मा हैं या पक्का करना है, तुम जानते हो। पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, या भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार है जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक है। हम शुबाबा के बच्चे हैं, तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही है बाबा, आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो या समझो कि या शुबाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अल्फ को समझो। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं है, हम शुबाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान इनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान तो निराकार है। वहाँ बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसी की सद्गति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके।
बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी या सब है भक्ति के गुरु। या भी तुम समझते हो जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं या हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझाएंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर यहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके, पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ? कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थाई, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? असुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है, या बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य, या बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर
भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, स्थाई खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। असुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का या एक ही समय है, इसीलिए आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। श्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ, लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रहे। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। लेकिन जब शरीर से न्यारी आत्म रूप में कार्य करेंगे तो सबके प्यारे लगेंगे। इसे ही अलौकिक स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।